नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने ट्विटर पर एयर इंडिया को ट्वीट किया था कि अगर ऑनलाइन बुकिंग हो सके, शायद पॉसिबल, तो आप ऐसी सुविधा कर दीजिए विकलांगों के लिए, क्योंकि काफ़ी दिव्यांगों को दिक्कत आती है अपने गाँव से शहर में जाने के लिए टिकट बुकिंग के लिए। तो मैंने एयर इंडिया को ट्वीट किया था, तब मैंने आपको उस वीडियो में, ये मेरी पिरानी वाली वीडियो है, मैंने कहा था कि अगर एयर इंडिया मुझे ट्वीट कर मेरे ट्वीट का रिप्लाई देती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि एयर इंडिया ने हमें क्या कहा है। तो एयर इंडिया ने मुझे रीट्वीट किया है और बताया है, ऐसी ऑनलाइन प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन अगर आपको एयर इंडिया में टिकट बुकिंग करनी है हैंडीकैप कोटा में, तो मैंने जो बताया था वही उसमें था। मैंने बताया था कि ब्लाइंड पर्सन हो तो उनको फ्री मिलता है, हैंडीकैप को मिलता है, कैंसर पेशेंट को मिलता है, तो वो सब उन्होंने बताया इस ट्वीट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर इंडिया ने क्या रिप्लाई किया है मुझे। तो एयर इंडिया का कहना यही है कि ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, अगर आपको टिकट बुकिंग करनी है फ्लाइट की तो उसके लिए आपको एयर इंडिया के नज़दीकी जो ऑफिस होती है आपके शहर में, आपके आपके जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट होता है, मेन डिस्ट्रिक्ट शहर, वहाँ पर एयर इंडिया की हर शहर में ऑफिस होती है, तो आपको वहाँ पर जाकर ही टिकट बुकिंग करवाना होगा। तो एयर इंडिया का ये क्लियर कहना है ऑनलाइन टिकट बुकिंग नहीं हो सकती है, अगर रेलवे के जैसे हो जाता तो अच्छा रहता, लेकिन एयर इंडिया ने मना कर दिया है इसके लिए। तो कोई बात नहीं, हम अपने शहर में जाकर भी 7 दिन या 10 दिन पहले पहले वो टिकट बुक करवा सकते हैं, और हैंडीकैप कोटा में हमें 50% का बेसिक फेयर में डिस्काउंट मिलता है, तो हम वो उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगी, धीरे धीरे एयर इंडिया भी जैसे जैसे नई नई अपडेट करता रहेगा तो शायद नेक्स्ट टाइम में ये सोचे तो ऑनलाइन हो जाए, तो अगर हो जाता है तो अच्छा रहेगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई फैसिलिटीज़ है नहीं, और अभी एयर इंडिया कुछ देने भी वाला नहीं है फैसिलिटीज़, तो अभी तो आपको अपने शहर ही जाना पड़ेगा। तो एयर इंडिया ने मुझे ट्वीट कर दिया है, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना दूँ आपके लिए, क्योंकि मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं जो एयर इंडिया ट्वीट रीट्वीट करता है तो मैं ये वीडियो बनाऊंगा, तो ये वीडियो इसलिए मैंने बनाई है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार वो वीडियो देख लेना, और वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है कि एयर इंडिया में किन किन लोगों को छूट मिलती है, क्या क्या दिक्कत होती है, तो वो वीडियो भी देख लेना आपको देखनी हो तो। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।